हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? घर पे पढ़ाई कर रहे हो? ओके, गुड। तो स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। ओके, तो स्टूडेंट, हमने हिंदी जो आपकी बिग बुक है उसमें हमने किया था लेसन नंबर 5, बिना मात्रा वाले शब्द। उसमें हमने क्या सीखा था? टू लेटर वर्ड, यानी कि दो अक्षर वाले शब्द पहले हमने सीखे थे। ओके, फिर क्या सीखा था? तीन अक्षर वाले शब्द, यानी कि थ्री लेटर वर्ड्स। ओके, ऑन पेज नंबर्स 27। ओके, 27 पे जो है तीन अक्षर वाले शब्द हमने रीड करना सीखा था ना, और शब्द कैसे बनते हैं तीन अक्षर वाले वो हमने सीखा था। तो स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर में तीन अक्षर वाले शब्द को हम लोग स्मॉल बुक में, हिंदी स्मॉल बुक में लिखेंगे। यानी कि आपकी जो टू लाइन वाली बुक है जिसमें हमने लिखा है स्वर व्यंजन, फिर क्या लिखा था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में? दो अक्षर वाले शब्द, यानी कि अक्षरों को जोड़कर लिखे। ओके, वो हमारा टाइटल था। तो हमने टू लेटर वर्ड्स लिखे थे, लिखा था ना? आपने लिखा है अपनी बुक में? लिखा है तो गुड, और नहीं लिखा है तो लिख लेना है। तो चलो, आज हम लोग तीन अक्षर वाले शब्द, यानी कि तीन अक्षरों को, थ्री लेटर को मिला के शब्द कैसे बनते हैं, ओके, वो हम लोग बुक में, आपकी स्मॉल बुक में लिखेंगे। सो स्टूडेंट, टेक आउट योर हिंदी स्मॉल बुक, टू लाइन वाली जो बुक है वो निकाले आप, एंड राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल टूडेज डेट। आपको आज की डेट पहले लिख लेनी है। ओके, तो चलो अभी हम लोग पहले हेडिंग लिखते हैं। तो फर्स्ट लाइन पे, यहाँ पे जो आपकी स्मॉल लाइन है, अभी आपको पता है स्मॉल लाइन में ही हम लोग लिखेंगे, ये जो वाइड वाली लाइन है उसमें नहीं लिखेंगे। सो राइट डाउन योर अ क्ष र, और र में ओ की मात्रा, यानी कि स्टैंडिंग लाइन और ऊपर स्लैंटिंग लाइन, और पूरे में स्लीपिंग लाइन, अक्षर रो, फिर आप स्पेस लीव करोगे, क, क से कमल, ओ की मात्रा, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन ऊपर, को, अक्षर ओ को, झ, झ में फिर से ओ की मात्रा, ड, यहाँ पे डॉट, ओके, क, र, छोड़ कर, ओके, ल, और उसमें छोटी की मात्रा, ली, और ख करके उसमें ए की मात्रा, ओके, ऊपर डॉट, यानी कि लिखे, पूरे में स्लीपिंग लाइन, और यहाँ पे खड़ी पाई, यानी कि फुल स्टॉप हिंदी का, डन। अक्षरों को छोड़कर लिखे, ओके, अगर ये लिखना आपको नहीं आता तो आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं लिखने में, ओके, हेडिंग लिखने में, बाकी ये सब तो आप ही को लिखना है, तो हेडिंग आपके पेरेंट्स लिखने में आपकी हेल्प करेंगे, डोंट वरी। सो अक्षरों को छोड़कर लिखे, यानी कि यहाँ पे हम लोग अक्षरों को छोड़कर लिखेंगे, पर कौन से? थ्री लेटर, तीन अक्षरों को छोड़कर लिखेंगे। ओके, तो चलो, यहाँ पे फर्स्ट है क से कमल, ओके, फिर आप लोग स्पेस रखोगे, प्लस की साइन करोगे, म, म से मगरमच्छ, स्पेस लीव करके अगेन प्लस की साइन करोगे, देन ल से लड्डू, डन। अभी कैसे लिखना है वो मैंने आपको बता दिया, ओके, एक लेटर लिख के स्पेस लीव करके आप प्लस करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस लीव की है, वहां पे आपको भी करनी है, ओके, क प्लस म प्लस ल, फिर यहाँ पे इक्वल टू की साइन करके यहाँ पे हम लोग इस अक्षरों, ये क्या है? अक्षर यानी कि लेटर, ओके, अक्षर यानी लेटर, तो ये अलग अलग लेटर है जिसको हम लोग मिलाएंगे और शब्द बनाएंगे। तो जो फर्स्ट लेटर है वो हम लोग पहले लिखेंगे, डन, लाइन में ही आप लोग लिखोगे क, फिर क्या लिखेंगे? म, देन ल, ओके, और पूरे में स्लीपिंग लाइन करना है, और यहाँ पे स्पेस नहीं आपको लीव करनी है, ओके, और फिर ऐसे ज्वाइंट भी नहीं कर देने हैं लेटर, ऐसे अच्छे से लिखना है, अच्छे राइटिंग में। तो क प्लस म प्लस ल, तो क म ल, यानी कि कमल, क्या बनाए? शब्द कमल। ओके स्टूडेंट, अभी समझ में आया हम लोग क्या कर रहे हैं? वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, क प्लस ल प्लस श,
शो से शर नहीं, शलगम वाला शो, ओके। क प्लस ल प्लस श इक्वल टू की शाइन, अभी हम लोग इसको छोड़ेंगे, ओके। तो लिखो चलो, क ल श से शलगम वाला श और पूरे में स्लीपिंग लाइन, तो क ल श, तो क्या बन गया, कलश, ओके कलश, डन। नेक्स्ट ब त देन ख, ओके। यहाँ पे आपको प्लस करना है और इक्वल टू करना भूलना नहीं है, और यहाँ पे स्पेस लीव करनी भी भूलनी नहीं है, ओके। सो राइट डाउन ब, फिर क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लेटर क्या है, तो त, और लास्ट लेटर कौन सा है, ख, तो लिखेंगे ख, और पूरे में स्लीपिंग लाइन करेंगे, तो ब त ख, क्या बन गया, बतख, ओके बतख बन गया। नाउ नेक्स्ट प, लिख रहे हो ना स्टूडेंट, व एंड न, ओके। तो स्टूडेंट आपको लाइन में ही लिखना है, पहले प लिखो फिर व लिखो फिर न लिखो, ओके। पहले न फिर व फिर प, ऐसे नहीं चलेगा, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। सो राइट डाउन प, फिर क्या लिखेंगे, यस व, फिर न से नदी, ओके न, अभी क्या करेंगे, यस ऊपर स्लीपिंग लाइन, डोंट फॉरगेट, हाँ। तो प व न, ओके। तो क्या बन गया, पवन, क्या बन गया, पवन, डन। लिखा सबने, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट र, र से रथ, म से मगरमच्छ, न से नदी। चलो अभी आपको पता चल गया ना क्या करना है, पहले क्या लिखेंगे, र लिखेंगे, यस र लिखो, फिर क्या लिखेंगे, म, यस म, एंड लास्ट में न, ओके। तो कौन सा वर्ड बना, रमन, क्या बना, रमन, र म न, रमन, डन, गुड। नेक्स्ट है अ, म देन न, न से नदी, ओके। अभी ये क्या बनेगा, चलो देखते हैं, अ, अ से अजगर, ओके देन म एंड न से नदी, और पूरे में स्लीपिंग लाइन, अ म न, यानी कि अमन, क्या बना, अमन, नेम होता है ना पर्सन का, बॉय का, रमन अमन, ओके। तो चलो स्टूडेंट अभी आप लोग अपनी नेक्स्ट लाइन में, बुक में जो आपकी नेक्स्ट लाइन है ना, वहीं पे आप लिखोगे, ओके। मैं वहां पे लिख रही हूँ, आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे, कंटिन्यू करोगे अपनी बुक में, ओके, न्यू पेज पे नहीं जाना है। चलो नेक्स्ट वर्ड भ से भालू प्लस झ से जहाज प्लस न से नदी, ओके। अगेन आई एम रिपीटिंग, भ झ से जहाज न से नदी, डन रिटर्न। चलो कौन सा वर्ड बनेगा, अभी आपको समझ में आ गया होगा, भ झ न, ओके। तो लिखो चलो, भ झ न, भजन, ओके भ झ न, भजन, डन। नाउ नेक्स्ट ग से गमला, ओके ग से गमला, अगेन ग से गमला, लिखा न से नदी, ओके। तो पहले क्या है, ग, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अगेन ग है, तो दूसरी बार भी ग लिखेंगे, ओके, लास्ट में न, और पूरे में स्लीपिंग लाइन, ओके, ग ग न, यानी कि गगन,
ओके, आपको ऐसे रीड करना है, गगन भजन लाइक दिस. नेक्स्ट इज म ग प्लस र. आपको यहां पे प्लस करना भूलना नहीं है और इक्वल टू भी. म तो लिखो यहां पे म. नेक्स्ट क्या है? ग ग देन र. यस र. तो क्या बन गया? मगर. ओके म ग र मगर. एंड लास्ट इज ठ से ठठेरा, भ से हिरन एंड र से रथ. ओके तो क्या बनेगा? ठ फिर ह एंड लास्ट में र. ओके ठ ह र ठहर. ओके ठ ह र ठहर. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने लिखे तीन अक्षर वाले शब्द, यानी कि ये जो है वो अक्षर है ये सब. ये आप क देख रहे हो, म देख रहे हो, ल ख न, ये अलग अलग जो है ना वो अक्षर है. उसको हमने क्या किया? जोड़ा, यानी कि अक्षरों को जोड़कर लिखे. जोड़कर यानी कि जोड़ा, साथ में लिखा ना, तो साथ में लिखा तो वो क्या बन गया? अक्षरों को जोड़ा तो वो शब्द बन गया. तो ये सब शब्द है, ये आप जो देख रहे हो ना इक्वल टू के बाद, वो शब्द है. तो क्या लिखा हमने? कमल. आप ऐसे रीड करोगे अभी, क म ल ऐसे नहीं. कमल, कलश, बतख, पवन, रमन, अमन, भजन, गगन, मगर एंड ठहर. ओके स्टूडेंट, तो आपको ये लिखना सीखना है. तो आपको क्या करना है? स्वर और व्यंजन दोनों बाय हार्ट होने चाहिए पहले तो, और लिखना भी आना चाहिए. ओके तो स्टूडेंट, आप लोग भी ऐसे वर्ड की, दूसरे वर्ड की अपनी रफ बुक में प्रैक्टिस कर सकते हो. और यस, ये तो आपको अपनी स्मॉल बुक में, हिंदी स्मॉल बुक जो टू लाइन वाली है उसमें आपको ऐसे सेम जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको अच्छे से लिखना है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.